नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल। एज यू नो, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम फॉर यू एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ 10th क्लास। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? These are atom or group of atom. Which determines physical and chemical properties of an atom, sorry, of an hydrocarbon. Functional group क्या होता है? These are एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। यानी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये वो चीजें होती हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को आपको बताता है और उसकी एक कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन आपको देता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? दीज आर एटम विच डिटरमाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आप ध्यान दीजिए, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? तो एक होता है, पहला ग्रुप है आर, यहां पे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और OH इज द फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम है अल्कोहल ग्रुप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है CHO, जिसे कहते हैं एल्डिहाइड का ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ये और ये सेम है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है CHO को। तीसरा ग्रुप है CO, जो कि कीटोन का ग्रुप है, जिसे कीटोन कहा, जिसमें CO आएगा वो हाइड्रोकार्बन कीटोन कहलाएंगे। ये CO को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी CO को लिखा जा सकता है। चौथा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जिस किसी भी हाइड्रोकार्बन में OH आ जाएगा वो हाइड्रोकार्बन अल्कोहल होगा, क्योंकि उसमें अल्कोहल ग्रुप है। जिस किसी के अंदर CHO आ जाएगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड कहलाएगा। जिसमें CO आएगा उसे हम कीटोन बोलेंगे, जिसमें COH आएगा उस हाइड्रोकार्बन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे।
भी फंक्शनल ग्रुप है, एक है एक्स यानी कि जिसे हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, और एक्स के प्लेस पे सीएल आई बी आर और एफ हो सकता है एक्स की जगह पे। अगला ग्रुप है एनओ टू का ग्रुप, जिसे हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। एक सीएन होता है जिसे हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं। एक एनएच टू होता है जिसे हम अमाइन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए, इनके अलावा एक होता है आर सी ओ आर, तो जिसमें आएगा सी ओ ओ वो कहलाएगा एस्टर ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप हमको नहीं पढ़ने हैं, हमें मेन मेन ग्रुप पढ़ने हैं, उनके ही हमको स्ट्रक्चर समझने हैं, उनके ही हमें आईयूपीएसी नाम समझने हैं। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, पहला ग्रुप है ओएच का। तो आप ध्यान दीजिए, जिसमें ओएच आ जाएगा, जिसमें ओएच आ जाएगा उन सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। जिस जिसमें ओएच आ जाएगा उन सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे अल्कोहल, समझे बात। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे CH3, तो आप में से बहुत से बोलेंगे लिखा हुआ इथेन, जो कि है एक एल्केन। अगर मैं लिखूं CH2OH, क्या ये एल्केन है? आंसर है हाँ, ये भी एल्केन है। बट और एल्केन क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, बट ये एल्केन के अलावा इसके अंदर OH आ रहा है, क्योंकि एल्केन के अलावा इसके अंदर OH आ रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा अल्कोहल। आप बात ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ CH4, तो CH4 आप बोलेंगे मीथेन है, जो कि एक एल्केन है। बट अगर मैं यहाँ लिखूं CH3OH, तो ये एल्केन नहीं है, क्योंकि OH आ रहा है, ये क्या है? एक अल्कोहल है। तो जिन जिन हाइड्रोकार्बन्स में आपको OH दिखाई देगा, उन्हें हम सबको क्या कहेंगे? हम अल्कोहल कहेंगे। तो जिन सब हाइड्रोकार्बन जिनमें OH आएगा, उन सबको हम अल्कोहल बोलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है। तो जितने भी अल्कोहल होते हैं उनमें क्या आता है? OH आता है। और कहाँ आता है? कार्बन की चेन में कहीं पर भी OH क्या हो सकता है? जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी किनारे पर भी हो सकता है, यानी OH एट टर्मिनल पे भी हो सकता है, और OH जो है वो हमारा कहीं चेन के बीच में भी हो सकता है। तो जो अल्कोहल है वो किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल जो है हमारा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये कार्बन की चेन के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। अल्कोहल यानी जो OH ग्रुप है वो नॉन टर्मिनल ग्रुप है, यानी ये किनारे पर भी हो सकता है, और बीच में भी, कार्बन की चेन के बीच में भी क्या हो सकता है? OH ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जितने भी अल्कोहल है उनके नाम के आखिरी में हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है? जितने कार्बन प्लस में एन और प्लस में ऑल करके नाम लिखा जाता है अल्कोहल्स का। अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल के नाम के आखिरी में सफिक्स आएगा ऑल,
और किसी भी हाइड्रोकार्बन जो अल्कोहल का जो आईयूपीएसी नेम है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल। वो इस तरह से लिखा जाएगा, जितने कार्बन प्लस में एन और प्लस में ऑल, ठीक है। किसी भी अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है, जितने कार्बन प्लस में एन और प्लस में ऑल, तो पहला नाम क्या बनना चाहिए, मैथेनॉल। दूसरा नाम क्या होना चाहिए, इथेनॉल। तीसरा नाम क्या होना चाहिए, प्रोपेनॉल। चौथा नाम क्या होना चाहिए, ब्यूटेनॉल। पांचवा नाम क्या होना चाहिए, पेंटेनॉल। छठा नाम क्या होना चाहिए, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, जो आप बनाना चाहे। इस प्रकार से अलग अलग तरह के आप अल्कोहल बना सकते हैं। तो चलिए मैथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैथेनॉल का पहले अल्कोहल का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। मैथ का मतलब एक कार्बन और ऑल का मतलब OH। एक OH लगा दूंगा, ये अल्कोहल है, एक 1 2 3 4 हाइड्रोजन भर दूंगा, तो मैथेनॉल का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH। चलिए दूसरा अल्कोहल है एथेनॉल। एथेनॉल में देखिए एट में दो कार्बन, 1 एंड 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एन आ रहा है क्योंकि, और ऑल का मतलब OH, तो एक OH लगा दिया, 1 2 3 एंड 1 4 1 2 3 एंड 1 4 यहां हाइड्रोजन भर दूंगा। ये फार्मूला बन गया हमारा एथेनॉल का, दिस इज द फार्मूला फॉर एथेनॉल, जिसे हम लिख सकते हैं C2H5OH, एथेनॉल का फार्मूला हो गया। सेम हम जो है प्रोपेनॉल का फार्मूला भी बना सकते हैं। प्रोपेनॉल का फार्मूला भी बनाया जा सकता है। प्रोपेनॉल का क्या फार्मूला होगा, देखिए प्रोपेनॉल ऑल आ रहा है OH, प्रॉप में तीन कार्बन, 1 2 एंड 3 एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 एंड 1 4 1 2 3 एंड 1 4 1 2 3 एंड 1 4 यहाँ हाइड्रोजन भर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन भर देंगे, तो CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया हमारा प्रोपेनॉल का फार्मूला। अगला है ब्यूटेनॉल। ऑल का मतलब OH, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, 1 2 3 एंड 1 4 यहाँ आप तीन हाइड्रोजन फिल करेंगे, यहाँ पर दो आएंगी, यहाँ पर दो आएंगी और यहाँ पर भी दो आएंगी, तो ये हमारा फार्मूला हो गया ब्यूटेनॉल का। सेम हम पेंटेनॉल का फार्मूला बना सकते हैं। ऑल का मतलब OH, पेंट में पांच कार्बन, 1 2 3 एंड 1 4 एंड 1 5 यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, ये बन गया आपका पेंटेनॉल का फार्मूला। इसी तरीके से हम हेक्सेनॉल का फार्मूला भी बना सकते हैं।
हेक्सेनॉल, ऑल आ रहा है, ऑल का मतलब वो है हेक्स में छह कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6।